नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। कहते हैं लालच एक बुरी बला है। ये कहावत बहुत पुरानी है और बड़ी कारगर भी है। ये दोनों का नुकसान करती है, लालच में पढ़ने वालों का और उसके साथ लालच में लेने वालों का। आगे जो मैं कहानी बताऊंगा वो मुंबई की ही कहानी है और इसमें जो पीड़ित है वो है डोंबिवली का और इसमें जो चीटर है, जो फ्रॉड है, वो है बड़ौदा गुजरात के। मेरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की पुलिस की क्राइम ब्रांच जोन 2 ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया गया बेहद शातिर तरीके से। लेकिन अब पुलिस ने 3 महीने पहले की इस घटना का पटाक्षेप करते हुए इस मामले में 3 लोगों को, जिन्होंने एक व्यापारी को ठगा था और उसे करोड़ों रुपए की वसूली की थी। तो ये जो घटना है ये है विरार की। विरार के पास जो है सकवार गांव आता है, नेशनल हाईवे जो मुंबई से गुजरात की तरफ जाता है। जैसे ही आप विरार क्रॉस करेंगे वहां पे एक एपेक्स होटल आता है, जाते जाते लेफ्ट साइड वहां पे ये व्यापारी आते हैं डोंबिवली के, और डोंबिवली के इस व्यापारी के साथ वहां पे एकदम सामान्य से गरीब दिखने वाले लोगों ने लगभग करोड़ों की ठगी कर ली। करोड़ों की हुई इस धोखाधड़ी में ऐसे लोग शामिल हैं जिनको आप देखकर एक बार भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने एक बिजनेसमैन, एक बिल्डर को ठग लिया, वो भी करोड़ों में, करोड़ 3 करोड़ 12 लाख की ठगी हुई और सोना देने के नाम पे। आपको बता दें घटना की शुरुआत तब हुई जब ये डोंबिवली का जो व्यवसायी है वो मुंबई से पालघर की तरफ जा रहा था और एपेक्स होटल पे रुका। बताया जा रहा है कि वहां पे ये लोग, ये जो ठगों की टीम थी यहाँ पे पहले बैठी हुई थी और बिल्डर के हाव भाव को, पहनावे को और उसकी मर्सिडीज गाड़ी जिससे वो जा रहा था, इन सब को देख के उनको ये समझ में आ गया कि ये हमारा मेन बकरा हो सकता है। उसको हलालने के लिए उस आटे में लेते हैं, यानी कि उसके साथ छल करते हैं। छल कैसे करते हैं कि वो शुरुआत 2-3 बार में हुई है, 3.75 करोड़ का जो डील हुई ये एक बार में नहीं हुई, इसमें कई स्टेप हुए और उसका विश्वास हासिल किया गया। इसमें ऐसा किया गया कि पहली बार जो बिजनेसमैन मिला तो उसको ये जो ग्रामीण लोग दिख रहे थे बड़ौदा के, जो 3 वहां से जो आए हुए ठग थे, इन्होंने अपने हाथ में सिक्के, सोने के जो सिक्के थे छोटे छोटे वो लिए हुए थे और सैंपल के तौर पे, और उनको दिखाया कि साहब ये हमारा, हमारे पास खेत में गड़ा हुआ मिला था और खुदाई करते टाइम हमें मिला है और आप अगर चाहिए तो इसे ले लीजिए। फिर बिजनेसमैन ने उसको देखा तो उसको एक बार की यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो जब सिक्का उसने उठाया तो वो सिक्के को लेकर उस संशय हुआ। यहां पर विश्वास जीतने के लिए एक बड़ा काम ठगों ने क्या किया कि वो बिल्डर को फ्री में दे दिया कि भाई आप ले जाइए और इसको चेक करवाइए, चेक करवाने के बाद आप तफसील हो जाइए, तटस्थ हो जाइए, कंफर्म हो जाइए कि ये हमारा जो सिक्का है वो सोने का ही है। बिजनेसमैन ने भी ऐसा ही किया, बिजनेसमैन ने चेक किया और वो सोने का ही निकला। दूसरी बार बिजनेसमैन आता है इनके पास, फिर उसी एपेक्स होटल पर, वहां पे फिर से डील होती है 5 लाख का। एक एग्जांपल है, नेट अमाउंट मालूम नहीं लेकिन तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें दूसरी बार 5 लाख वैल्यू का सोना बताया जाता है और उसको आधे पैसे में, यानी 2.5 लाख 2 लाख रुपए में उसको बेच दिया जाता है और फिर से व्यवसायी जाता है और उसको लगता है कि अब तो मुझे खजाना मिल गया क्योंकि करोड़ों का माल आधे भाव में मिल रहा है। तो उसने ऐसे ही किया, उसने तीसरी बार का डील किया और तीसरी बार असली जो ठग जो थे वो असली रूप में आ गए और उन्होंने तांबे का, पीतल का जो है वो सिक्के उस पे तैयार करके उन्होंने रखे थे। तीसरी बार की जो डील थी, बिजनेसमैन लालच में आ गया था, उसने अपनी गाड़ी बेच दी, तमाम लोगों से कर्जे ले लिए और कुल करके उसने लगभग 3 करोड़ 3 करोड़ 12 लाख रुपया लेके, कैश लेके वो एपेक्स होटल पे आया और ये जो ठग थे ये पूरे बोरी भर के सिक्के लाए थे। अब इन सिक्के में वहां पे कोई तस्दीक तो हो नहीं सकती, चेक हो नहीं सकता, तो इसका ही फायदा उठा के, क्योंकि बिल्डर ने पहले ही चेक कर लिया था तो उसको विश्वास था कि मैंने 2 बार डील की है और दोनों बार में भी मुझे सोना असली मिला है और इस बार भी असली ही मिलने वाला है क्योंकि ये तो गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं और इनको खजाना गड़ा हुआ मिला है। इस विश्वास पर उसने एक बोरी सोना लिया और इनको 3 करोड़ 12 लाख रुपए दिए और वो घर पे जाके बैठ गया कि भाई ठीक है, मुझे सोना मिल चुका है। बता रहे हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि जो व्यापारी है, जो बिल्डर है, उसको ये लगा कि इसमें सोना जो है, मैं तो अब खजाना मिल गया है, मैं करोड़पति हो गया हूँ। इसके लिए उसने 24 घंटे तक उसको ये सोचता रहा कि आखिर ये सोने का करूँगा क्या मैं। उसको ये लगा कि अरबों की करोड़ों की संपत्ति मिली है, इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। जब वो नॉर्मल हुए तो फिर जाके उन्होंने सोना चेक किया कि आखिर ये सोने का वैल्यू कितना हो रहा है। लेकिन जब चेक करने गए तो उनको शॉक लगा क्योंकि सारा का सारा वो पीतल था, ना कि वो सोना। ठगे जाने का एहसास हुआ लेकिन उनको सदमा भी लग गया। इस दौरान उनको 10-15 दिन लग गए हॉस्पिटल में रिकवर होने के लिए, ऐसा सूत्रों ने बताया।
इसके बाद वो आते हैं और विरार में जो है मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के जो विरार पुलिस स्टेशन है, विरार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराते हैं और सारी घटनाक्रम बताते हुए उन्होंने इसका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दर्ज कराई। अब इसके बाद पुलिस उनके पीछे लगती है। लगभग 3 महीने बाद 2,18,00,000 के करीब ये अमाउंट उनके हाथ में लगता है कैश। और ये जो आरोपी है ये गुजरात में 3 लोग जो थे जिन्होंने लूट की थी, ये पूरा का पूरा 2.25 करोड़ रुपया अपने पास रखा था और वहां से निकल के उज्जैन शिफ्ट हो गए थे और उज्जैन में जाकर रहने लगे थे। लेकिन मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की टीम ने बेहद ही समझदारी से और एक्सपर्ट होने का पूरा प्रमाण देते हुए उन्होंने इतनी बड़ी कैश जो है रिकवर की है, क्योंकि ऐसे क्राइम में ज्यादातर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, यूज कर लेते पैसा और वो पैसे रिकवर नहीं हो पाते। लेकिन 3,12,00,000 की जगह 2,18,00,000 रुपए फिर से वापस उस व्यापारी को मिल जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम का जो पटाक्षेप हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन रहा। लोगों का कहना है कि वाकई में ये एक मुश्किल काम था जो क्राइम जोन 2 मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की जोन 2 ने कर दिखाया है। 7 मई को विरार पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का चीटिंग का एक केस दाखिल हुआ था। उसमें सोने का सिक्का, सोने के सिक्के दे के उसके बदले में हाफ रेट में या उससे भी कम रेट में सोने के सिक्के देने की भूल देकर एक आदमी से 3 करोड़ रुपए का माल ठग लिया था। और उसको जो कॉइन दिए थे शुरू में, उसको एक कॉइन दिया जो असली था, उसने चेक किया वो असली था, इसलिए उसने बाकी की कॉइन ले लिए, लेकिन बाकी के सभी कॉइन्स नकली थे। तो वो पूरा, जब तक उसको पता चला कि ये कॉइन्स नकली है तब तक वो सब पैसा लेके भाग चुके थे। तो ये 7 मई का केस था। वो हम गुप्त बातमीदार से हमको इन्फॉर्मेशन मिला था कि ऐसे ऐसे आरोपी हो सकते हैं इसमें, तो पिछले 2 महीने से हम वो आरोपी को ढूंढ रहे थे, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया और बाकी भी इन्फॉर्मेशन के ऊपर से वर्कआउट करके वसई यूनिट क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के पुलिस निरीक्षक पीआर अनोरे और उनकी टीम, इन्होंने ये 3 आरोपी को पकड़ा है। और जो गुने में गया था 3 करोड़ का माल, उसमें से 2,18,95,000 रुपीस उतना माल रिकवर किया है। और इस तरह से अच्छा डिटेक्शन किया है और बड़े तादाद में रिकवरी भी की है। इसके पहले रिकवरी हुई थी? इसके पहले ये गुने में 2 आरोपी अरेस्ट थे, लेकिन उनसे कुछ ज्यादा रिकवरी नहीं हुई थी, सिर्फ 6 लाख की रिकवरी हुई थी। अभी ये 2,18,00,000 की रिकवरी हुई। लेकिन सर, जिसने ये माल खरीदा है वो भी इलीगल बेस है, उस पर भी कोई कार्रवाई होगी? माल खरीदा नहीं किसने? सिक्के जिसने, जिन्होंने जो लालच में आकर के कम भाव में सोना खरीदने की कोशिश की, उन्होंने भी तो अपराध किया है, उनका भी तो अपराध है सर। हाँ, ये देखने वाली इन्वेस्टिगेशन में आने वाली बात है कि उन्होंने किस इंटेंशन लिया था, वो हम इन्वेस्टिगेशन में देख लेंगे। सर, आरोपियों कहां से पकड़ा गया? आरोपियों को वडोदरा से पकड़ा गया। नहीं, बाकी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है, अभी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूएशन है। मैं तो बाद में, इस तरह की और भी लोगों ने शिकायत दर्ज की क्या? अभी ऐसे क्या है कि ऐसे मामले होते रहते हैं, अभी इस वो मामलों का इससे कनेक्शन है कि नहीं है ये देखने वाली बात है। जनता को हम आह्वान करना चाहेंगे कि ऐसे कोई भी आपको ये कम कीमत में या कम पैसे में अगर कोई सोना दे रहा है या ऐसी कोई इतर कोई और कोई चीज़ है जो आपको कम कीमत में मिल रही है या फिर आपको आसानी से पैसा मिल रहा है, तो ऐसे कोई देता नहीं है। ज़्यादातर के केस में ये धोखाधड़ी या चीटिंग ही होता है, तो आप इससे सावधान रहें।